वेलकम माई यूट्यूब चैनल सर मोहम्मद इरज खान, लेक्चर नंबर 156, चैप्टर नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकेंड ईयर की बुक का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देख लेते हैं, हमारा ये लास्ट फंक्शन है कोसेक इनवर्स एक्स। वही सारी टर्म है वाई के बराबर। सपोज करेंगे सबसे पहले वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। मैं इसको मजीद सॉल्व कर रहा हूँ, ये कॉस इनवर्स में यानी माइनस का वन है। मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा तो ये देखें प्लस का कर दिया, एक्स ऊपर ही था नीचे लगे प्लस का कर दिया। ये यहाँ डिवाइड है हमारा के मल्टीप्लाई हो गया। देखें कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब डिफरेंस इसको एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई कर देते हैं। अब हमें मालूम है कि एक्स इजिकल टू कॉस वाई, कॉस वाई बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा के, साइन वाई। कॉस वाई बराबर होता है वन अपॉन साइन वाई। लिखते जाइए, ये छोटे छोटे फार्मूले लिखते जाइए ताकि आपको आखिर में फार्मूले में प्रॉब्लम ना हो। वही वाली ट्रम फर्स्ट प्रिंसिपल में जो हमने यूज़ की थी, लिमिट एफ ऑफ वाई, छः के छः फंक्शन। देखिए वाई के रिस्पेक्ट से, ये वाई आ गया ना तो इसके रिस्पेक्ट से करते हैं, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ ए y माइनस ए। फंक्शन में y पुट कर दें, देखें cos वन अपॉन साइन y, माइनस का माइनस, फंक्शन में a पुट कर दें साइन a हो जाएगा। देखें साइन a y माइनस ए अपॉन में सेम आ गया। अब हमने क्या करना है, साइन a को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और साइन y को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, साइन y साइन a नीचे सेम आ जाएगा y माइनस a। मजीद देख लेते हैं, हमारी स्लाइड थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। तो ये जो टर्म हमारी बन के आएगी वो आएगी साइन ए वंदा साइन ए, साइन वाई वंदा साइन वाई, और साइन ए साइन वाई सेम रहेगा नीचे वाला। और इसके बाद क्या करना, इसके बाद ये जो वाई माइनस ए ना, ये वाई माइनस ए, ये साइन वाई और साइन ए से मल्टीप्लाई कर देना या नीचे लिख देना, जैसे लास्ट में किया था लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, देख लेना। अब हमें मालूम है कि फॉर्मूला इसके बराबर है, टू कॉस ए प्लस वाई डिवाइड बाई टू साइन ए माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू। तो मैंने इस पूरी की टर्म की जगह लास्ट में लिखा है ना साइन ए माइनस साइन वाई, तो ये साइन ए माइनस साइन वाई इसके बराबर होता लिख दिया है। एंड नीचे वाली टर्म ये चल रही होगी हमारी, माइनस कॉमन निकाल लिया ए माइनस वाई। देखें ये क्या आ रहा है, वाई माइनस ए, तो ये ए माइनस वाई कैसे होगा, माइनस कॉमन निकाल लें। ऐसा क्यों किया कि देखो ए माइनस वाई, तो हमने भी इधर क्या करना है a माइनस वाई। अब नीचे 2 है, यहाँ 2 नहीं है लेकिन ये 2 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें, देखें आ गया, देखें साइन वाई साइन ए, देखें साइन वाई साइन ए, और ये a माइनस वाई ए माइनस वाई, और ये 2 नीचे लाके डिवाइड कर दिया ताकि ये और ये एक जैसे बनाए, ये माइनस लिमिट से बाहर आ गया। अल्फा अल्फा के बराबर लिया है ए माइनस वाई के। अब हमें मालूम है साइन अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, देखिए कंडीशन बन रही है। अब देखिएगा माइनस माइनस आ गया, लिमिट वाई माइनस है, ये लिमिट इन तमाम नंबरों के साथ है, साइन कॉस के साथ है, साइन के साथ है, साइन वाई के साथ है, साइन ए के साथ है। देखो ये ऊपर है तो 1 अपॉन करके नहीं लिखा, ऊपर ही लिख दिया सेम। फिर ये नीचे 1 अपॉन साइन वाई, ये भी नीचे 1 अपॉन साइन ए। अब यही लिमिट इन दोनों के साथ भी है, ये आ गई साइन अल्फा अपॉन अल्फा आ गया, ये 1 के बराबर होते हैं, यहाँ लिखा हुआ आगे सामने। ये हमारी लास्ट टर्म बनी थी तो इसकी जगह अप्लाई लिमिट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वाई वहाँ क्या पुट कर देंगे ए। देखिए ए प्लस वाई था, ए आ गया डिवाइड टू 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, 1 का 1 आ गया। एफ ओ ए इज इक्वल टू माइनस कॉस ए और ए मिलकर 2 ए अपॉन 2, 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए, माइनस का कॉस 2 से 2 कैंसिल ए ही आ जाएगा। ये हमारी टर्म कॉस ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए आ गया। अब देखें कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉट ए के, ये फार्मूला यानी कॉट थीटा बराबर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। याद कर लें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर है, और 1 अपॉन साइन ए बराबर है कॉसेक ए, यानी 1 अपॉन साइन थीटा बराबर है कॉसेक थीटा के। देख लें
और ये माइनस का माइनस हमारा बाहर आ गया, डालना ए था, हमने क्या पुट कर दिया, वाई पुट कर दिया। तो करेक्शन कर ले लास्ट वाली लाइन में, ये कोट ए की जगह कोट वाई, कोसेक ए की जगह कोसेक वाई आएगा। यहाँ मैंने लिख दिया सेक थीटा बराबर है 1/cos θ के, और हमारे पास दूसरी टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो ये हमारी जो टर्म्स आ रही हैं एक्स इजिकल टू कॉस वाई, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, ये लास्ट लाइन आई थी हमारी माइनस कॉट वाई कॉसेक वाई। अब कुछ ये डी एक्स अपॉन डी वाई जो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है, तो वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। अब टर्म डी वाई अपॉन डी एक्स है तो वन ऊपर, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, ये एडिटेड आ गई। अब कॉट वाई बराबर होता है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, देख लेते हैं, अगर नहीं है तो आप लिख लें, कोट वाई बराबर है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के, और ये कोसेक वाई। अब देखना ये है कि ये माइनस का माइनस रहा, वन का वन रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन यानी कोसेक स्क्वायर, ये बराबर है कोसेक वाई बराबर होता है, कोसेक वाई बराबर होता है एक्स के, ये एक्स के सवाल में गिवन है हमारे पास, तो इसकी जगह एक्स है स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दें माइनस वन, ये भी कोसेक वाई किसके बराबर है एक्स के, तो मैंने एक्स शुरू में लिख दिया है। देखिए वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, मुझे यहाँ चाहिए कॉट वाई, तो थीटा की जगह वाई रख दें, यहाँ थीटा की जगह वाई रख दें। अब देखें कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का वन मारा गया माइनस का वन, कॉट थीटा उधर जाके रूट बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। थैंक यू वेरी मच, इस हफ्ते वन के साथ अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरश खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।